गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप अपनी जगह पे सुरक्षित होंगे। तो हम ग्रामर का जो हमने टॉपिक शुरू किया हुआ है टेंस, आइए हम उसको बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो जो हम प्रेजेंट का कंप्लीट कर चुके हैं, पास्ट का हमारा इंडेफिनिट और कंटिन्यूस हो चुका है। आज जो हमारा तीसरा पार्ट है पास्ट का, वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा है? पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि भूतकाल के अंदर जो कार्य खत्म हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, वो जो वाक्य है वो हमारे पास्ट परफेक्ट वाक्य कहलाते हैं। यानी पास्ट परफेक्ट के ऐसे वाक्य होते हैं जिनके अंदर कोई भूतकाल में कोई काम था हमारा, वह कंप्लीट हो चुका है। जैसे मैंने पत्र लिख लिया था या वह खाना खा चुका था। तो इस प्रकार के वाक्यों में, जैसे हमने प्रेजेंट में किया था, चुका है, चुके हैं, लिया है, दिया है, इसका जो है वो सब पास्ट में चले जाएंगे कि उसने खाना खा लिया था या वह पत्र लिख चुका था, वह सो चुकी थी, हम स्कूल जा चुके थे। इस प्रकार के वाक्य जो कहलाते हैं वह पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। तो आइए हम इसकी पहचान को देख लेते हैं। जो इसकी पहचान है, मूल क्रिया के अंत में, यानी कि हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में मूल क्रिया यानी कि मेन वर्ब के साथ, मेन वर्ब के पीछे अंत में आया, आया था, चुका था, चुके थे, चुकी थी, इस प्रकार के वाक्य अगर आते हैं तो वह वाक्य कौन से टेंस का कहलाता है? पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाता है। अगर हम इसकी सहायक क्रिया की बात करें, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वह है हमारी हैड, ओनली हैड, H-A-D, हैड। जैसा हमने प्रेजेंट परफेक्ट में किया था कि हैज और हैव उसकी हेल्पिंग वर्ब थी, यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है और वो है हैड, H-A-D, हैड। सभी नंबर, सभी सब्जेक्ट के साथ हम हैड का प्रयोग करेंगे, चाहे वह फर्स्ट पर्सन है, चाहे वह सेकंड पर्सन है, चाहे वह थर्ड पर्सन है, और इन पर्सन्स के कोई भी सिंगुलर है या कोई भी प्लूरल है, एक वचन संज्ञा है या बहुवचन संज्ञा है, ठीक है, कोई भी नाउन प्रोनाउन है, तो उसके साथ हम हैड का प्रयोग करेंगे। जैसा हम प्रेजेंट परफेक्ट में कर चुके हैं कि हैज और हैव के बाद जैसे हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, इसी प्रकार हैड के बाद भी जो मेन वर्ब है, हमारी मूल क्रिया है, वो कौन सी हो जाएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी हो जाएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो हम इसका एक वाक्य देख लेते हैं। जैसे वाक्य है हमारा, मैं पत्र लिख चुका था, मैं पत्र लिख चुका था। तो इस प्रकार के जब वाक्यों में देखते हैं कि लिख चुका था, यानी कि चुका था, चुके थे, चुकी थी, वर्ब की जो मुख्य वर्ब है हमारी लिखना, उसके पीछे पहचान आई है चुका था। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वह कौन से वाक्य होते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस के। अब हम इसको जो सिंपल हमारा सेंटेंस बनाते हैं, हम असर्टिव सेंटेंस जिनको बोलते हैं, उनके लिए हम इसका नियम देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा और अंत में क्या आता है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। तो जो सिंपल सेंटेंस यानी कि असर्टिव सेंटेंस के अंदर जो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। यानी कि कोई भी हम सिंपल सेंटेंस अगर बनाते हैं तो उनमें सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, कर्ता। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, काम को करने वाला कर्ता कहलाता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो हमारी एक है इस टेंस के अंदर, हैड, हैड का प्रयोग करेंगे, और हैड के बाद यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम इस टेंस में सबसे यानी कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उसका प्रयोग करेंगे, और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और अंत में लगा देंगे फुल स्टॉप। तो इस प्रकार के वाक्यों का जो पहला नियम है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर करेंगे हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग। तो हमने जो ये वाक्य लिया है इसको ट्रांसलेट करके देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है। मैं पत्र लिख चुका था, तो सबसे पहले क्या लेंगे? मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। क्या बोलते हैं? आई। और आई के बाद हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब इसकी हैड है। आई हैड
लिखना, लिखना की वर्ब क्या होती है, राइट, राइट रोट रिटन, तो थर्ड फॉर्म क्या होगी राइट की, रिटन, आई हैड रिटन अ लेटर, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हम इस प्रकार के वाक्यों के अंदर लगाएंगे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये था हमारा सिंपल सेंटेंस बनाने का नियम। इसके बाद हम देख लेते हैं हमारा कौन कौन से रह गए सेंटेंस, इंटरोगेटिव रहता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, सिंपल हमारा हो गया है। तो हम तीन प्रकार के जो हमारे सेंटेंस है वो आगे करते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिन वाक्यों के अंदर नहीं का प्रयोग किया जाता है वे हमारे नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, और ये नेगेटिव सेंटेंस भी असर्टिव सेंटेंस का ही एक पार्ट है, ठीक है। इनके वाक्यों के पीछे भी हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने पहला वाक्य लिया था कि मैंने पत्र लिखा था या मैं पत्र लिख चुका था, तो हम इसकी यहां पे करेंगे कि मैंने पत्र नहीं लिखा था, अब हम सिंपल और नेगेटिव में क्या फर्क है, सिर्फ नहीं का। तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट जो हमारा सबसे पहले आता है सिंपल के अंदर भी, उसके बाद हेड आता है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहां पर सिर्फ सिंपल थोड़ा सा ही चेंज है, क्या करना है, हमने हेड के बाद नोट का प्रयोग कर देना है, हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे आई हैड नोट रिटन द लेटर, तो यहां पर हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया है कि मैंने पत्र नहीं लिखा था, तो ये हमारा नेगेटिव का। अगले हम लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के वाक्य। इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो पास्ट परफेक्ट का जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसमें हम क्या करेंगे, जो हमने सिंपल सेंटेंस का नियम बनाया था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, उसमें क्या करना कि हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड को हम सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं, तो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस का नियम बन जाएगा। कैसे, सबसे पहले हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में आएगा हमारा ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप की जगह क्या लगाएंगे हम, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, साइन ऑफ इंटरोगेटिव। तो क्या बनेगा हमारा वाक्य, हैड आई रिटन द लेटर और अंत में लगा रहे हम क्वेश्चन मार्क, कंप्लीट। उसके बाद जो अंत में आता है हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक भी और नहीं भी। इस प्रकार के वाक्यों में हम क्या करते हैं, जो हमने नेगेटिव सेंटेंस लिया था, इनके सब्जेक्ट हैड नोट v3 और ऑब्जेक्ट, उसमें हमने एक सिंपल सा नियम करना है कि यहाँ पे हम हैड को आगे ले आएंगे, यानी कि सबसे पहले हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे हैड आई नॉट रिटन द लेटर और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन। तो ये सब हमारे पास्ट परफेक्ट का नियम जो है कंप्लीट होता है, और हम पास्ट परफेक्ट में सिंपल पास्ट के वाक्य ही नहीं यूज करते, हम इसके साथ साथ पास्ट इनडेफिनिट के वाक्यों का भी प्रयोग करते हैं, तब हमारा पास्ट परफेक्ट जो है वो कंप्लीट होता है। जैसे कि हमने एक फेमस जो वाक्य है वहीं से शुरू करते हैं, कौन सा है,
कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, है ना? सुना है ना आपने जी? कोई और बात कहने लगे हैं कि स्टेशन पर पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, सुना है ना आपने? तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वह भी पास्ट परफेक्ट के वाक्य होते हैं, उसके अंदर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी प्रयोग किया हुआ होता है। तो हम उस प्रकार के वाक्य देख लेते हैं। तो हम उदाहरण देख लेते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम अकेले न करके उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, और कैसे करते हैं देख लेते हैं। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। यहां पर पास्ट के दो कार्य बताए गए हैं जो संपूर्ण हो चुके हैं, लेकिन इन दोनों वाक्यों में अंतर क्या है? पुलिस के आने से पहले, और दूसरा है चोर भाग चुका था। तो जो काम सबसे पहले होता है, दो कार्य दिए हैं यहां पे, इसमें जो काम पहले हुआ था उसमें तो हम करेंगे पास्ट परफेक्ट, किसका? पास्ट परफेक्ट टेंस का। और जो काम बाद में हुआ होता है उसके अंदर हम करते हैं पास्ट इनडेफिनिट टेंस का प्रयोग। क्लियर है? हम इसको देख लेते हैं ट्रांसलेट करके। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। द थीफ हैड रन अवे, चोर भाग चुका था। बिफोर द पुलिस रीच्ड या केम। क्लियर है? पास्ट परफेक्ट के अंदर हम हैड और थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो पास्ट परफेक्ट टेंस था वह कंप्लीट होता है। अगर आप में इस वीडियो के अंदर कुछ कमी लगी है तो वो आप कमेंट में जरूर लिखें, और अगर आपको इस वीडियो को अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और तो भी कमेंट जरूर करें। तो अगले वीडियो के लिए हम मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।